दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल साल 2023 के सीजन में काफ़ी धमाके मचाने चाहेगी, बट धमाके वो परफॉर्मेंस के साथ मचाना चाहेगी, ना कि वो अपने फैसलों से धमाके मचा दे और वो धमाके उनके विरुद्ध इस्तेमाल हो जाए। रिसेंटली दोस्तों काफ़ी देरी केकेआर मैनेजमेंट कर चुका है और केकेआर मैनेजमेंट ये हमेशा से कहता आ रहा है कि हम पहले जून में हेड कोच लाएंगे, फिर जुलाई में हेड कोच लाएंगे, फिर हमने अपडेट दी थी कि अब नए साल पर ही हेड कोच लेकर आने वाले हैं और इसी के चलते अब ये हेड कोच आज लाए, कल लाए, परसों लाए, कभी भी लाए, बट इनके हाथों से एक बड़ा ऑप्शन जा चुका है। तो ये कौन ऑप्शन है और अब कौन कौन बनेगा टीम केकेआर का हेड कोच, सब बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, केकेआर के बड़े वाले फैन हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन जरूर कर लो। दोस्तों आप सभी को ये बात पता होगी कि टीम केकेआर ब्रेंडन मैकुलम के हाथों कैसी रही है, क्या उनकी सक्सेस रही है और क्या उनका दोस्तों यहाँ पर डिग्रेडेशन रहा है। तो उसी हिसाब से अब एक नया अटैकिंग हेड कोच टीम केकेआर ढूंढ रहा है और अटैकिंग की अगर बात करें तो यहाँ विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट से अटैकिंग कौन मिल सकता है टीम केकेआर को, बट रिसेंटली यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात करें तो वो कंफर्मेशन दे चुके हैं कि दिल्ली के कोचिंग स्टाफ में जाएंगे। हालांकि दोस्तों उनका रोल अभी तक पता नहीं है, बट दोस्तों आप सभी को बता दें कि यहाँ पर रिकी पोंटिंग अब फ्री होने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स से, तो इसके अंदर ये एक बड़ा ऑप्शन अच्छा है टीम केकेआर के लिए रिकी पोंटिंग को लेकर। बट दोस्तों आप सभी को पता है कि टीम केकेआर के पास ऑप्शन काफ़ी है, रिकी पोंटिंग है, इसके बाद डैनियल विक्टोरी का भी नाम काफ़ी उछला है और पहले जो ऑप्शन हमने आपको बताए थे जैसे कि जैक कैलिस है, ब्रैटली है, इसके बाद केविन पीटरसन, ऐसे बड़े बड़े नाम है, पर टीम केकेआर खुद से ही काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा है बट इस रिसर्च में वो खुद ही फंस गया है। और दोस्तों जितना ज़्यादा डिले वो हेड कोच को लेकर करेगा उतनी ही ज़्यादा तकलीफ टीम केकेआर को होने वाली है, अगर वो ज़्यादा टाइम लगाता जाएगा तो उनको ही सबसे ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। तो अब क्या थिंकिंग टीम केकेआर रख रहा है उनके हेड कोच के लिए तो हमें नहीं पता है, बट आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि कोई भी ऑप्शंस आपको जो पसंद आया वो कौन होना चाहिए हेड कोच टीम केकेआर का। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना।